हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज सुबह का अखबार पढ़ करके पता चला कि बिहार की कोकिला कही जाने वाली महान गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया, जिसे सुनकर बड़ा दुख हुआ। उनकी भावपूर्ण आवाज़, समृद्ध स्वर और भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने अनेक लोक गीतों को जीवंत कर दिया। प्रिय साथियों, आइए अब हम सर्वप्रथम माँ शारदा सिन्हा को शत शत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। प्रिय साथियों, आज हम लोक गायिका माँ शारदा सिन्हा के महान उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम उनके संक्षिप्त जीवन वृत्त के बारे में जानेंगे। साथियों, लोक गायिका माँ शारदा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार में सुपौल जिले के हुलसा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुखदेव ठाकुर था, जो शिक्षा विभाग में एक अधिकारी थे। उनके पति का नाम था स्वर्ग ब्रज किशोर सिन्हा, जो एक कॉलेज के संचालक थे। उनकी शिक्षा थी बीएड और उन्होंने यूपी से एमए में संगीत में शिक्षा प्राप्त की थी। साथियों, उनका ससुराल सीमा बेगूसराय बिहार में पड़ता है। माँ शारदा सिन्हा के दो संतान हैं, एक पुत्र जिसका नाम अंशुमन सिन्हा, पुत्री वंदना। उनका व्यवसाय लोक गायिका के रूप में जानी जाती हैं। उनका आयु लगभग 72 वर्ष। राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिंदू, जाति कायस्थ। उनकी वर्तमान संपत्ति लगभग 10 करोड़ आकी गई है। प्यारे साथियों, आइए हम उनकी महान उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार की कोकिला महान लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी ने अपने भावपूर्ण आवाज़ व भावपूर्ण प्रस्तुतियों के माध्यम से अनेक लोक गीतों को जीवंत कर दिया। आइए अब हम उनकी कुछ उपलब्धियों को याद करते हैं कि माँ शारदा सिन्हा इस संगीत जगत में कैसे उन्होंने अपना परचम लहराया, कैसे जनमानस के हृदय पर वो छा गई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, माँ शारदा सिन्हा ने 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया था। साथियों, माँ शारदा सिन्हा ने 1974 में अपनी भोजपुरी गीत जो है शुरू की थी। 1978 में पहली बार उनके द्वारा गाई गई गीत उग हो सूरज देव, जो बहुत ही पॉपुलर गीत है, इसकी रिकॉर्ड की गई, जो जनमानस में बेहद लोकप्रिय हुआ, आज भी बहुत ही लोकप्रिय है। साथियों, 1989 में सुपरहिट हिंदी फिल्म मैंने प्यार किया में आपने एक गीत गाया, जो बॉलीवुड में आपकी पहली प्रवेश थी। वह गीत थी कहे तो से सजना ए तोहरी सजनिया। यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इस गीत के लिए आपको मात्र 76 रुपये फीस मिले थे। माँ शारदा सिन्हा ने छठ गीत पर कई गीत गाए हैं, जिनमें से कुल 62 छठ गीत काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। आइए हम माँ शारदा सिन्हा से संबंधित कुछ अलंकरण व पुरस्कार पर एक नज़र डालते हैं। माँ शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया और सन 2015 में बिहार पुरस्कार से सम्मानित की गई और 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई। साथियों, माँ शारदा सिन्हा देवी की प्रमुख गीत जो प्रसिद्ध हैं, कुछ हम यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। केलवा की पात पर उगेलन सूरज देव, तार बिजली से पतले हमार पिया, आन दिन उगड़ छहो दीना नाथ, बाबुल जो तुमने सिखाया जो तुमसे पाया,
राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, काच ही बांस के बांगियां ये इनकी प्रमुख प्रसिद्ध गीत हैं। साथियों, बिहार की कोकिला महान गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का निधन 5 नवंबर 2024 को एम्स नई दिल्ली में हो गया। साथियों, हमने एक महान गायिका को खो दिया। साथियों, मां शारदा सिन्हा का निधन अत्यंत दुखद व संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपने उत्कृष्ट पारंपरिक गायक के माध्यम से मैथिली, भोजपुरी सहित अनेक लोक भाषाओं को जीवंत कर दिया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति।